हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी चूहे कहीं बाहर से आते हैं, अपने हाथ पैर गंदे करके कहीं ना कहीं ये बैठ जाते हैं। बहुत ही गंदगी अपने हाथों पैरों में लेके आती हैं, बहुत ही घिन भी आता है इनसे। बिस्तर पे हो गया, अलमारी में हो गया, कहीं ना कहीं इस तरह से जाके कपड़ों को कटिंग करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के ये चूहे के लिए रेमेडी में बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ, जो आपकी चूहे को भगाने में बहुत ही यूजफुल काम करेगा। तो दोस्तों, जब तक वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे, वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए, मैं इसमें डाल लेती हूँ आधा चम्मच चीनी। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने गेहूँ के आटे में ये चीनी डाल लिया है, तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और चूहे कैसे इससे फौरन घर से बाहर चले जाते हैं। मैंने चीनी डाल लिया है आधा चम्मच, और एक चम्मच मैंने डाल लिया है घी। जो घी का खुशबू है, उसकी खुशबू से तो चूहे बहुत दूर से इसके पास भागे चले आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाला हुआ है। तो चलिए, मैंने घी और चीनी डाल के अच्छी तरह से मोयन टाइप में लगाने के बाद, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा लूँगी। तो दोस्तों, ये चूहे के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। इस रेमेडी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग के घर में इस तरह से चूहे आते हैं, तो बिल्कुल भी घर में नहीं रुकेंगे, फौरन ये जो मैं रेमेडी बना रही इसको खाएंगे, और उनको एक बेचैनी सी होगी और घर से बाहर बिल्कुल चले जाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, हम बाहर से जाते हैं, इतने महंगे महंगे केमिकल लेके आते हैं, और केमिकल लाने के बाद इस तरह से वो कहीं खाने के बाद वो मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो हमें घर में बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाती है, उनको ढूंढना भी पड़ता है और उनको खोजना भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्यों ना इस तरह से छोटे मोटे ट्रिक हम अपने घर में ही रेमेडी को आजमाएं, और बिन बुलाए मेहमान जो घर में आ जाते हैं, उनको घर से फौरन बाहर भगाएं। तो चलिए, मैंने आटे को लगा लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही झटपट रेमेडी बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आटे को थोड़ा टाइटली लगा लेना है। तो ये हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। चलिए, मैं एक मिनट इसको साइड रख देती हूँ, बाकी मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो और हमें अब क्या ले लेना है, ये नेफ्थोलिन की गोली है। तो दोस्तों, ये नेफ्थोलिन की गोली है, ये ज़्यादातर सभी के घरों में रहता है, जिसे बोलते हैं कपूर की गोलियाँ, जो हम कपड़े में रखते हैं कि ताकि जिससे कपड़ों में कीड़े ना लगे और स्मेल वगैरह ना आए। तो दोस्तों, ये वही नेफ्थोलिन की गोली है। तो चलिए, मैं इसको खलबट्टे के हेल्प से इसको मैं अच्छी तरह से कूट लेती हूँ, और बहुत इजी तरीके से कुटा भी जाता है। तो देखिए, मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है। अब पाउडर बनाने के बाद मैं आगे बताती हूँ इसकी प्रोसेस मुझे करना क्या है। तो चलिए, मैं बताती हूँ, जो मैंने आटा लगाया हुआ है, उस आटे का मैं छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से लोई बनाने के बाद, जितने भी आपके घर में लगता है कि चूहे हमारे घर में ज़्यादा है, तो ये लो आटे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखिए, मेरे घर में कमी लग रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने आटा को कमी लगाया हुआ है। अगर ज़्यादा लगता है तो आटा को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए, मैंने आटे को मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि रखना है। दोस्तों, सबसे पहले चूहे क्या करते हैं, किचन में धावा करते हैं। जब हमारी किचन की लाइटें बंद हो जाती है, तो उनको ये पता चल जाता है कि लाइट बंद हो चुकी है। तो देखिए, जो मैंने कपूर का पाउडर बनाया हुआ है, इस आटे के अंदर बीच में रखने के बाद मैं इसको गोल गोल इस तरह से बनाती जाऊंगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस मेरा यही है। तो चलिए, जितने भी आटे की लोई है, इस तरह से मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये काम आपको सोते समय ही करना है, रात के समय, दिन में बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी को पता है कि दिन में ये चूहे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जब उनको शांत नज़र आता है तभी ये घर में धावा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमारे घर में चूहे हैं, वहाँ वहाँ ये रेमेडी को इस तरह से रख सकते हैं। चूहे इसको खाते ही बिल्कुल उनको एक बेचैनी सी होगी, और बेचैनी सी होगी तो बिल्कुल घर से फौरन बाहर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके घर में जो भी पानी है उसको आपको ढक के रखना है, और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके रखना है, क्योंकि इसको खाने के बाद चूहे को पानी बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, पानी मिलते ही बिल्कुल उनको एक जान में जान आ जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, चूहे के अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, हमारी रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो हम डिसाइड करेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ हमारे घर में लगते हैं, उसको मैं इस तरह से जहाँ जहाँ मुझे लगेगा, मैं वहाँ वहाँ रख देती हूँ।
तो दोस्तों चूहे ने बहुत परेशान कर रखे हैं। इस तरह से हम बाहर से केमिकल लाते हैं, वो खा के कहीं ना कहीं मर जाते हैं और बैड स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती है। तो दोस्तों क्यों ना इस चूहे से हम दूर रहें, तो ये ट्रिक आप लोग भी आजमाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।